हेलो फ्रेंड्स, मैं वितेश। आप देख रहे हैं वितेश फार्मा का टेक सोल्यूशन। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है सैमसंग का J26। इसमें मैं अगर चार्जिंग लगाता हूँ तो ये जो चार्जिंग है ये ओवर हीटिंग की वजह से चार्जिंग पॉज बता रहा है हाई वोल्टेज के साथ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहा होगा, आपको यहाँ पर चार्जिंग इसका जो है आपका कम्प्लीट नहीं हो रहा है, 0% के बाद ये हो रहा है, ये देखिए। तो मैंने इस पर एक वर्क किया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये इसका पूरा का पूरा हार्डवेयर है और हार्डवेयर पे मैंने जम्पर लगाया है। मैंने बहुत सॉल्यूशन देखा, यूट्यूब पे भी देखा, यूट्यूब पे देखने के बाद मैंने भी किया। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के लास्ट पॉइंट से, ये लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट वाले पॉइंट से लेके मैंने इस पावर आईसी के पास, यहाँ देख रहे होंगे आपको सीपीयू है, सीपीयू के नीचे आप देख रहे होंगे एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पर मैंने जम्पर लगाया। YouTube पर इस तरह के बहुत सारे सोल्यूशन हैं, मैंने भी कहा देखूं इस तरह के सोल्यूशन से क्या होता है, लेकिन ये सोल्यूशन जो कि मैंने इसमें जम्पर लगा दिया। जम्पर लगाने के बाद हम इसका टेस्टिंग करते हैं चार्जिंग में कि चार्जिंग कंप्लीट होता है कि नहीं, चार्जिंग होता है कि नहीं, क्योंकि YouTube पर इस तरह की वीडियोज़ बहुत है। यहाँ पर दो जम्पर लगाने के बाद दिखाते हैं कि चार्जिंग हो रहा है। तो मेरा भी ये देखिए, मैंने भी किया है, ये देख लीजिए आप, कहाँ पर जम्पर मारना है, यहाँ पर एक ये जम्पर मारना है और दूसरा वाला जो जम्पर है वो है रेजिस्टेंस के पास, आपको ले जाकर वहाँ पर उनकी मतलब चार्जिंग आईसी है वहाँ पर रेजिस्टेंस पर, ये देखिए यहाँ पर आपको जम्पर लगाना होगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको इसके लास्ट पॉइंट मतलब साइड से लास्ट पॉइंट पे जम्पर लगाना है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, दोनों जम्पर लगाने के बाद आप जब चेक करेंगे तो चेकिंग में आपका देखिए डिवाइस पता चल जाएगा कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि YouTube पे इस तरह के बहुत सारे वीडियो है, आपका जो है वोल्टेज या चार्जिंग लगाने पे हाई बता रहा है। तो इसको करने सॉल्यूशन करने के समय हम लोगों ने देखा है, इतना ढेर सारा है, इतना ज़्यादा काम करने का ज़रूरत नहीं है, दोनों तार वहाँ से उठा के वहाँ लगाने पर आपको पता चल जाएगा कि ये आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, अब हम इसको क्या है टेस्टिंग करेंगे, चार्जिंग में लगा के इसको हम लोग टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, मैंने जम्पर लगा दिया है, आपको यहाँ पर चार्जिंग भी लगा दे रहा हूँ पूरा ये कनेक्ट करके। अब हम इसकी बैटरी को पूरा उसमें लगाएंगे, ये कैमरा इसको हम हटा देते हैं पहले यहाँ से, ये देखिए, अब हम इसकी बैटरी यहाँ लगाएंगे, बैटरी लगा के इसको हम चार्ज में लगाएंगे। पर आपको ये बता दूँ कि ये जो सोल्यूशन है ये सक्सेस नहीं है, इस तरह का जो सोल्यूशन है वो मार्केट में है लेकिन सक्सेस नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे चार्जिंग शो कर रहा है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे चार्जिंग थोड़ा देर चलेगा भी, ये देखिए आपका है, यहाँ पर आपका चार्जिंग थोड़ा देर चलेगा, 38% देखिए दिखा रहा है, बहुत अच्छे से चलेगा। ये देखिए, आपको अगर मैं इसको वीडियो यहाँ से काट दूँ तो आपको लगेगा कि ये सोल्यूशन तो कम्प्लीट हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा देर और रुकिए आप, मतलब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रुकने पर ये आपका वर्क करना बंद कर देता है। मतलब कि अगर आप इसको फिर से देखेंगे, देखिए मैं इसको निकाल रहा हूँ यहाँ पे, देखिए अभी देखेंगे ये चार्जिंग मैंने निकाला, ये देखिए यहाँ पर मतलब कि थोड़ी देर बाद ही, 4 से 5 मिनट बाद ही ये वही प्रॉब्लम फिर से क्रिएट करने लगा है। मतलब कि ये जो सोल्यूशन है जम्पर का, ये सोल्यूशन सक्सेस नहीं है, और कभी कभी ये सक्सेस भी होता है लेकिन ज़्यादातर ये नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपका जो पावर आईसी है उस पावर आईसी पर आपको वर्क करना पड़ेगा, वो पावर आईसी आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। जो बैटरी कनेक्टर के ऊपर आपको ये दिख रहा है तिकोना सा टीन चद्दर, उसी के पास आपका होता है पावर आईसी, वो पावर आईसी आपको लगाना होगा, क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट पावर आईसी को इफेक्ट करता है ये सॉल्यूशन, ये जो आपका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम डायरेक्ट आपके पावर आईसी को इफेक्ट कर देता है और इसमें कोई जम्पर वम्पर काम नहीं करता है। आप देख सकते हैं ये आपका प्रॉब्लम है, अभी भी ये बना हुआ है, मैंने वो दोनों जम्पर लगा दिया था लेकिन ये कंप्लीट वर्क नहीं है। इसको सही करने के लिए आपको सीपीयू का जो पावर आईसी है, पावर आईसी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। जब आप पावर आप रिप्लेस करेंगे तभी आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल।